बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारी एनिवर्सरी गुजरी थी, तो हमने सोचा कि हम ब्रंच के लिए चलते हैं मोनाल। तो हम इस वक्त ब्रंच के लिए मोनाल पहुँच चुके हैं और बहुत ही मज़े का वेदर था, बहुत ही हमने यहाँ पे इंजॉय किया। एक बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था। और वैसे भी पहाड़ों को देख के आपको पता है कि कितना सुकून मिलता है। मैंने जल्दी जल्दी से एक बूफे की वीडियो बना ली थी, मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ का ब्रंच मुझे बहुत पसंद आया और टेस्ट भी सब चीज़ों का बहुत अच्छा था। यहाँ पे तवा कीमा था जो कि लाइव था, बिल्कुल वो गरम गरम बना बना के हमें दे रहे थे। इसी के साथ पाए थे, चने थे, साथ ही पूरियाँ फ्राई हो रही थी, पराठे बन रहे थे, साथ ही गरम गरम सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की लग रही थी। और सर्दी में अगर ऐसी जगह जाएं और गरम गरम खाने का, वहाँ तो फिर कुछ और ही मज़ा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी के साथ एक यहाँ पे स्टॉल था जहाँ पे लाइव वो ऑमलेट्स बना के दे रहे थे और हर कोई अपनी पसंद से बनवा रहा था। इसी के साथ यहाँ पर पैनकेक्स बन रहे थे, बहुत ही मज़े के वेफल्स बन रहे थे जो कि हमने खाए गरम गरम, बहुत ही मज़ा आया। इसी के साथ यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं, कस्टर्ड था, शुगर फ्री चीज़ें थी, कुछ केक्स वगैरह थे, टी थी, ग्रीन टी थी। यहाँ पे सैलड्स थे, चटनियाँ थीं, मुरब्बे थे और दही था। मेन डिश में हलवे थे दो तरह के, साथ ही मीठे चावल थे गुड़ वाले, साथ ही हॉट डॉग्स थे। इसी के साथ यहाँ पे ये ऑमलेट इन्होंने यहाँ पे भी रखा हुआ था, चाइनीज़ भी था। मैंने ट्राई नहीं किया चाइनीज़ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, बाकी सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी। नान था, पेशावरी कोई शनवारी बनाया हुआ था इन्होंने, राइस थे, ज़ीरा राइस थे, कीमा था, यहाँ पे ये आलू की भुजिया है, साथ ही इसमें हलीम भी थी यहाँ पे। और हलीम इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, चिकन हलीम थी लेकिन बहुत मज़े की थी। ये पाए हैं, इसी के साथ सारा कुछ गरम गरम था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। इसी के साथ बारबेक्यू की भी दो आइटम्स थी, कबाब थे और चिकन टिक्का था। खाने को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने एक टाइम निकाला और ज़रा हम निकले कहीं बाहर। इसी के साथ मैंने कुछ ज्वेलरी की भी यहाँ पे क्लिप्स बना लिए थे, मैंने यहाँ से कुछ रिंग्स ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पे, बिल्कुल एंटीक। जिसे एंटीक पसंद है वो तो यहाँ ज़रूर जाए और जाके देखे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। कुछ तो मैं कभी यूज़ भी नहीं करूँगी शायद, वो मैंने नहीं ली। कुछ बड़े बड़े झुमके थे, कुछ छोटे झुमके थे, डिफरेंट तरह की यहाँ पे रिंग्स थी, लॉकेट्स थे, सेट्स थे, लेकिन मुझे तो बस रिंग अट्रैक्ट कर रही थी तो मैंने दो तीन यहाँ से रिंग्स ले ली थी। हमें अपने लिए ज़रूर वक्त निकालना चाहिए और किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपको सुकून मिल सके, जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो कि आपको एक रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आए। तो इसीलिए हमने भी टाइम निकाला और हम यहाँ पे गए और हमें बहुत मज़ा आया। वैसे तो नॉर्मली हम जाते ही रहते थे लेकिन काफ़ी टाइम से जैसे कोरोना था और बाकी सारी चीज़ें जो चल रही थी तो बंदा निकल ही नहीं सकता। आपको पता है कि जो रूटीन होती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसके अलावा घर के कितने काम हो जाते हैं, फिर कभी मेड नहीं आ रही होती है तो कभी कहीं कोई और मसले होते हैं। तो इसीलिए अगर इसमें से थोड़ा सा बंदा वक्त निकाले तो उसका अपना ही मज़ा आता है कि ज़रा जाए और जाके ज़रा इन्जॉय करे। तो हमारा ये संडे बहुत रिलैक्सिंग था और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्जॉय किया। आप लोग भी अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें क्योंकि घर में रहने वाली खातून के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बाहर निकलें और अपना माइंड को फ्रेश कर सकें। इसी तरह हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और फिर हम वापसी की तरफ निकल गए क्योंकि शाम हो रही थी, तो इसीलिए हमें था कि हम घर जल्दी पहुँच जाएँ। यहाँ पे मैंने सनसेट की वीडियो बनाने की कोशिश की थी क्योंकि आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, आप देख सकते हैं कि कलर्स कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का छोटा सा एक व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।